सब जगह देख लिया, कहीं दिख ही नहीं रहे दोनों। जहाँ जाके आखिर जाएंगे कहाँ? यही किसी बिल में छुपे होंगे दोनों। वैसे भी भाऊ ने कहा है आज रात को डेरा डाल के यही बैठना है, कल सुबह होते ही दोनों बिल के पार आते ही दबोच लेंगे। मैडम, हमने टीम डिस्पैच कर दिया। बताया जा रहा है कि सुपरस्टार एजी का हो गया है किडनैप। सूत्रों से हमें पता चला है कि कोई गुंडा एजी का फैन बनकर आया और एजी को वैनिटी सहित अगवा कर लिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि एजी के साथ पूरी दुनिया को पता चल गया कि मेरा बेटा किडनैप होने की वजह से उनके फैंस में काफी आक्रोश है। जब आपको पता है उस लेडी और उसकी बेटी ने किया, तो अभी तक एजी के बारे में कुछ पता क्यों नहीं लगा पाया? आप न्यूज़ खेल ये हो क्या रहा है? नॉनसेंस दीदी। दीदी आप एक काम करो, सीबीआई, एफबीआई, सीआईडी सबको फोन करो। चिड़िया की तरह ना सब तरफ हेलीकॉप्टर उड़वा दो। अरे किसी ना किसी को तो दिखेगा। एजी ये कोई फिल्म नहीं है सर, उल्टा सीधा जो मन चाहा बोल दिया और हो गया। हमें हमारे तरीके से काम करने दीजिए। वी आर एट इट। तारा जी, हमें शहर से थोड़ा दूर एक वैनिटी मिली है, हम ट्रेस कर रहे हैं। और ये जाधव जिसके बारे में ये औरत बात कर रही है, उसकी भी हिस्ट्री निकाली है हमने। कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है, उसके पास हथियार, गन्स, कुछ भी हो सकता है। तो आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये सब बातें बता के मुझे डरा रही हैं। वैनिटी की लोकेशन पे क्यों नहीं है आप? हमने टीम डिस्पैच कर दी है तारा जी, मैं बस आपको अपडेट करने आई थी। डीएसपी मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, सेफ एंड साउंड। उसके लिए जो करना पड़े, जैसे करना पड़े, जस्ट डू इट। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ तो आपको आइडिया भी नहीं है कि मैं क्या कर सकती हूँ। डोंट वरी मैम, आई विल हैंडल इट। दीदी ये मेरा बेटा क्या कर रही है? ये हो क्या रहा है नॉनसेंस? आपके अंदर माँ का कलेजा कहाँ से पट पड़ा? रिपीट गोली। इस वक्त मुझे फालतू डिस्कशन नहीं करनी। आई जस्ट होप एजी जहाँ भी हो सेफ हो। शिवांगी, यू ओके? शिवांगी मैं सोई नहीं सर, आप मुझे सस्पेंड मत करना। नो नो नो, बिल्कुल भी नहीं। क्या हुआ सर, वो लोग इधर ही आ रहे हैं क्या? नो नो, हाँ हम सेफ प्लेस में हैं। शिवांगी हम थोड़ा टाइम यहीं रुकेंगे, ओके? व्हाट इज दिस? आओई इतनी जोर तो मुझे एक्शन सीक्वेंस में लग जाती है। थैंक गॉड गोली छूकर निकल गई। रिलैक्स। वो नहीं कर रहा हूँ जो तुम समझ रही हो। अल्कोहल है। We are lucky enough कि यहाँ पे मुझे मिल गई। थोड़ा जलेगा लेकिन एंटीसेप्टिक है, it will help you। नको नको, ये नहीं है, मैं ये बहुत जलेगा। नहीं नो शिवांगी, लेकिन करना पड़ेगा। शिवांगी एक काम करो, दर्द हो ना तो तुम मुझे कस के पकड़ लो। नहीं हाँ, कम गो फॉर इट, यू हैव टू डू इट। We have to. प्रोग्राम ढूंढो ढूंढो रे A.Z.C.O.P.E लगातार अपडेट। वाओ, उन दोनों को सारे जगह पे ढूंढा, कहीं नहीं मिले। तू बैठ आराम से। उन दोनों को तू ही नहीं, पुलिस सारी दुनिया ढूंढ रही उन्हें। बैठ बैठ आराम कर। ठीक है। बैठ रहा है। क्या ढूंढ उन्हें? वो दोनों पुलिस को मिल गए ना, तो अभी वो मिसिंग है, बाद में हम वांटेड हो जाएंगे। लेकिन उसको खुद ही अपने आप को बचाना होगा, एग्जिट देख के निकल जाना होगा। और अगर मैं उसकी जगह होता तो यही करता, बाहर जाने का दरवाजा देखता, बिना किसी को बताए, बिना किसी को बोले, बिना किसी का वेट किए, बिना किसी के लिए एग्जिट गेट से निकल जाता। इनफैक्ट वो बाहर जाके अब तक पुलिस को बता भी चुकी होगी कि तुम लोग यहाँ पे हो। बेटा पुलिस कभी भी आने वाली होगी और तुम सब पकड़े जाओगे। काउंटडाउन बिगिंस। आप मेरे को जिधर से कट लेने के लिए बोल रहे हो मैं समझ रही हूँ जी सर, पर आपको यहाँ से अकेले छोड़ के नहीं जा सकती। मैं जा तो सकती हूँ पर जाऊँगी नहीं, क्योंकि जा तो आप भी सकते थे पर गए नहीं। अरे वो कोई इमोशनल फूल तोड़ना है जो यहाँ खड़ी रहेगी, मेरा वेट करेगी। उसे भी पता है मुझे बचाने का, मेरी हेल्प करने का, मुझे यहाँ से निकालने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है ये। हो सर, समझी मैं कुछ करती हूँ। आप बस अपनी टेक केयर करना। हो आएगा ना तब पता चलेगा। इधर ही खड़ा रहे। अरे रंधावा जी, कोई मजाक चल रहा है क्या? आप ऐसे कैसे पिक्चर के बीच में अपने पैसे खींच सकते हैं क्या? देख कुछ नहीं हुआ एजी को, आ जाएगा वापस वो। अरे मैं आपका पॉइंट समझ गया। अरे अब दिमाग की लस्सी मत करो, फोन रखो। दीदी एक एक करके फाइनेंसर अपने हाथ खींच रहे हैं। दीदी कुछ करो, नहीं तो नाड़े खुल जाएंगे, कच्चे बिक जाएंगे। सर जी प्लीज समझा करो मेरी बात। सर जी प्लीज बोल रहा हूँ ना, समझा करो। नहीं जाने दे सकता अंदर, समझा। क्या बात है मैम? वो राजू बोल रही हैं कि उनको बॉबी जी से मिलना है। एक मिनट ले मैडम। बॉबी जी, उसका नाम इतनी इज्जत से लेने की जरूरत नहीं है सर। क्रिमिनल है, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। एक मिनट मैडम जी, आप तीर गलत दिशा में चला रहे हो जी। अरे उसकी तो अपनी बेटी किडनैप हुई है, वो कोई क्रिमिनल नहीं है और मैं उसके साथ ये नहीं होने दूंगी जी। रियली? क्या करो? पुलिस से लड़ोगी? मुझसे लड़ोगी? राजू इतनी तो औकात नहीं है जी मेरी। एक गल है जी, बॉबी जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन की मेंबर है जी और इसकी बेटी आपके सेट पे से किडनैप हुई है। उसको कॉम्पनसेशन देना तो दूर की बात जी, आपने उसको पुलिस के हवाले कर दिया और वो भी गलत इल्जाम लगा के। तो मैं एक बात जरूर कर सकती हूँ जी कि आज के बाद आपकी और एजी सर की कोई भी फिल्म में कोई जूनियर आर्टिस्ट काम नहीं करेगा जी, ये बात याद रखना। राजू, गरीबों की मेहनत से ना अमीरों के एसी चलते हैं, इसलिए गरीब आदमी की मेहनत पे इल्जाम लगा दोगे या सवाल उठा लोगे तो आराम से बैठ के ना जी आप एसी की ठंडी हवा का मजा नहीं ले सकोगे, समझ गए जी? सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। सब कुछ मुझे अपने हाथों में लेना पड़ेगा। I'll handle this my way now. Be careful, be careful. Yes, ma'am. खून के ताजे निशान। कुछ तो गड़बड़ है। ब्लड ट्रेल्स को फॉलो करते हैं, देखते हैं हमें कहाँ लेकर जाती है। यस मैम। सर एकदम बरोबर बोल रहे थे। जब यहाँ से बाहर निकलूंगी तभी तो उनको जादव के गुंडों से बचा पाऊंगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.